दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैंक के टोटल नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 38% से बैंक का नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है और ये नंबर आया है 474 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें बैंक के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 430 करोड़ का बैंक ने टोटल नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक ने 630 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो बैंक है वो हमें लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी ग्रॉस एनपी का नंबर आया है 3.36% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 3.70% पे। यानी कि अगर हम देखेंगे 0.34% से यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपी का नंबर यहाँ पे हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम नेट एनपी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर आया है 1.30% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 1.53% पे। तो देखा जाए तो नेट एनपी का नंबर आफ्टर प्रोविजनिंग वाला नंबर होता है, तो ये नंबर अराउंड अगर 1% के लगभग रहता है तो इसका इंडिकेशन होता है कि आने वाले टाइम पे जो बैंक के प्रोविजनिंग के नंबर है वो हमें और कम होते हुए नजर आएंगे और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस के प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 16% के प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे बैंक का कम हुआ है और ये नंबर आया है 307 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में अराउंड 370 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने की थी। यानी कि इनो भी अगर हम देखेंगे 60 करोड़ से प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 130 करोड़ से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम इसके मेन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अराउंड 4-5% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रो हुई है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो बैंक के इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में जब वी वैद्यनाथन जी की जो कमेंट्री आई थी तो वहां पर उन्होंने ये बोला था कि आने वाले टाइम पे जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आने वाले टाइम पे कम होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत सारी नई ब्रांचेज ओपन की थी, तो जो नए ब्रांचेज होते हैं उन्हें प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम अभी एक्चुअली में पूरा हो चुका है, तो वहां पे एक्चुअली में वहां से भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। तो इन अवे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बैंक के नंबर्स है यहाँ पे काफी फिनोमिनल हमें नजर आते हैं, और जिस तरीके से वी वैद्यनाथन जी ने गाइड दी थी पिछले क्वार्टर में उसी वे में ये बैंक हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम देखेंगे अराउंड 37 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे अराउंड 70 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई है, तो वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे अराउंड 50% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर आप ये बोलोगे कि यार ये स्टॉक 150-200 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा गलत रहेगा। मेरे ख्याल से आपने ये देखना चाहिए कि पहले इतने सारे बैड लोन, इतने सारे जो कॉर्पोरेट लोन जिनकी लोन बुक में थे, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए वहां पे लगातार प्रोविजनिंग की जा रही थी। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो इनका मोस्टली अराउंड 70% का जो इनका लोन बुक है वो रिटेल बुक हो चुका है, और वहां पर अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे प्रोविजनिंग के नंबर काफी ज्यादा कम रहेंगे, तो वहां पे एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है और एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी हमें बैंक की यहां पे नजर आती है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग 1600 से 2000 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट बैंक का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में रहेगा, और उसके हिसाब से मुझे यहां पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे यहां पे वैल्यूएशन कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 23-24 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 12-13 के पी रेशियो पे ही ये बैंक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो क्वार्टर वन के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।